पॉजिटिविटी, ये लोग का रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। फालतू का टेंशन, मतलब जो कमी है, नालायक है, इतना लंबा लाइन। Welcome back to my new vlog. It's day one in Vellore. आज हम जाएंगे CMC hospital. उसके appointment है आज 9:30 का है, but हम यहाँ से जल्दी निकलेंगे क्योंकि time लगेगा थोड़ा सा। हाँ जी गाइज, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। क्या से क्या प्रोसीजर रहता है सब मैं दिखाऊंगी, CMC hospital कैसा है रिव्यू भी दूंगी, ठीक है। तो फटाफट से मैंने नहा लेती हूँ, ब्रश उसमें निकाल लिया है, थायराइड का मेडिसिन भी निकाल लिया है। अभी करते हैं अपना नहा धोना, फ्रेशन अप होना, फिर चलते हैं हम सीधा ब्रेकफास्ट करते करते, मतलब जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं ना, तो वहाँ से CMC थोड़ा सा नज़दीक में ही पड़ता है, तो हम नाश्ता वास्ता करके उधर से ही चले जाएंगे। Let's start the vlog, guys. ये देखो भाई मौसम देखो, रात को बारिश आया था, मुझे तो पता भी नहीं चला भाई। गाइस नहा धो लिया, ड्रेस चेंज कर लिया, अच्छे से आउटफिट पहना है, और यहाँ बड़ी मम्मा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आज अपॉइंटमेंट। तो अभी 9 बजे मेरा है, उसके बाद दोपहर के टाइम करीब 1:30 बजे करीब बड़े पापा का अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट का, तो आज शायद आते आते शाम हो जा, हो भी सकता है आते आते हम लोग का शाम भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे भाई, सभी हम निकल रहे हैं। ये जो एरिया है ना, मतलब फुल ऑफ पॉजिटिविटी, फुल ऑफ कामनेस का जो प्रतीक होगा, ये एरिया में घुसती ना कल मेरे को फील हुआ एकदम पॉजिटिव एनर्जी का, अंदर बहुत अच्छा एरिया है। अभी हम आ चुके हैं CMC वेल्लोर हॉस्पिटल। ये देखिए ऐसा दिखता है, बहुत अच्छा है। और अभी हम डॉक्टर के क्लिनिक, मतलब मेरा जो प्रॉब्लम है ना वो कुछ ऐसा ही है, तो हम गायनो डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, जो कि बहुत टाइम लगेगा शादी में जा रहे हैं अभी, पता नहीं। एक तो बड़े पापा इतना स्पीड चलते हैं ना, पता ही नहीं चलता कहाँ चलेगा। बड़े पापा ढूंढने गए हैं उधर साइड, बड़े पापा गए हैं ढूंढने भाई, बहुत ही ज़्यादा नए शहर में आना, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट्स या फिर उसका डिपार्टमेंट नंबर पता चलने भाई बहुत ज़्यादा। तो बड़े पापा गए हैं टिकट काउंटर में शायद पूछने के लिए, कहा है कैबिन डॉक्टर का। तो भाई अभी से ही थक गए भाई मैं तो भाई, इतना लंबा लाइन भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा लंबा लाइन है, पता नहीं हम लोग का कब आएगा, ऐसे बैठे हैं उधर सभी। बड़ी मामा भी शायद बोर, और एक तो बड़े पापा इतना स्पीड चलते हैं ना, स्पीड मैच ही हो तो बड़े पापा और मेरे पापा एक ही जैसे चलते हैं। जब आ गए डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद में आ गए हूँ, टेस्ट वगैरह करवाने हैं, अल्ट्रासाउंड का टेस्ट वगैरह करवाने हैं, जो कि डॉक्टर ने दिया ब्लड टेस्ट भी है वो मैंने कर लिया। ब्लड टेस्ट करके मैं अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने आई, इतना लंबा लाइन है, पता नहीं भाई मेरा कब आएगा मेरा हालत, तुम समझ सकते हो। इतना बोर हो चुकी हूँ। साइड में बड़ी मम्मा बैठी है मेरी, वो भी बोर हो गई। गाइस अभी हम लोग बाहर आए हैं, तो हमने कुछ खा भी लिया, इतना भूख लग रहा था, और ऊपर से टेस्ट अल्ट्रासाउंड का टेस्ट किया था और ब्लड टेस्ट का टेस्ट दिया था भाई, मैं जो घूमी हूँ। ये लोग बोलते फिरते हैं ना, घर वाले मेरे बोलते फिरते हैं ना, अनुष्का कुछ काम की नहीं है, ये वो स्मार्टनेस है ही नहीं भाई, जिधर मुझे करना होगा ना मैं करूँगी, फालतू जिसमें मैं अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ भाई। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मतलब इन लोग का कॉलेज कैंपस अलग है और हॉस्पिटल वाला कैंपस अलग है। बहुत लोग आते हैं यार इलाज करवाने में, अच्छा तो है बट मिसबिहेव ज़्यादा करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते, कोई कोई होते हैं बट कोई कोई लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। हाँ डॉक्टर तो अच्छा है, अच्छे हैं, मैंने जो दिखाया था बहुत स्वीट है, बहुत ज़्यादा ही स्वीट है,
वो डॉक्टर को देख के पता है मेरे को ना अपने प्रोफेसर का पूजा मैम का याद आ गया। सच में उनकी तरह ही है भाई, सेम भाई। यहाँ का गर्मी पता है, जैसे सिलीगुड़ी में मेरे को जब गर्मी होता हम लोग को गर्मी होता था फुल पसीना आता था, बट इधर का जो गर्मी है ना वो अलग सा गर्मी है, मतलब पसीना भी नहीं आता। और अभी मैंने एक चिकन सैंडविच खाया, बड़ी मैंने कॉफ़ी फिल्टर कॉफ़ी और बिस्किट और मैंने सैंडविच चिकन सैंडविच और मिलता है मुझे तो भाई। हाँ रोज मिल्क खाया है, रिफ्रेशमेंट भाई। सुबह से भाग दौड़ चल रहा है यार, कितना मतलब ब्लड टेस्ट के लिए इधर दौड़ो, अल्ट्रासाउंड के लिए इधर दौड़ो, कैसे हमको पता भी नहीं है कौन सा डिपार्टमेंट आया है कौन सा का है। तो अभी थोड़ी देर में चलते, बड़े पापा का डेंटल का अपॉइंटमेंट है वो ख़त्म हो जाए फिर हम चलेंगे घर। कल कैसा लगा कुछ तो बोलो व्लॉग में। अच्छा लगा, हाँ ऑडियंस आपको देखना चाहती है मेरी बॉडी मामा गाइस। अच्छा लगा है, हाँ। लेकिन क्या अरे उसका टेंशन आप मतलब भाई, फालतू का टेंशन मतलब जो होगा देखा जाएगा। अरे बड़ी मम्मा तुम लोग ना, बड़ी मम्मा मेरे सारे घर वाले को देखना पसंद करते, बट कोई बोलता नहीं है ना, पीठ पीछे बहुत बोलते हैं। कैमरा में आने के बाद खुश हो जाए, टायर खुश हो जाए। तो बाप रे गाइस, जो मेरा पीछे है ना बैकग्राउंड वो देखो भाई, हरियाली हरियाली, बाप क्या मस्त है भाई। मतलब यहाँ का माहौल ही ऐसा है भाई, ये जो जहाँ हम रह रहे हैं ना अभी, वहाँ का भी मतलब माहौल फुल ऑफ पॉजिटिविटी, कामनेस से भरा। मैंने सुबह बताया ना तुम्हें, इतना मतलब पॉजिटिविटी है ना ये, स्पेशली वेल्लोर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। यहाँ का थोड़ा सा जो जब मैं अल्ट्रासाउंड करने गई थी ना, वहाँ का स्टाफ थोड़ा सा मतलब मिसबिहेव कर रहा था, बड़े लोग का रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट सभी डिपार्टमेंट ऐसे नहीं होते, कोई कोई डिपार्टमेंट से ऐसे लोग निकलते हैं। कल बड़ी मामा का बैंड बजने वाला है, कौन भागदौड़ करेगा कल? तुम है ना बेटी, होली की माँ का क्या बात, देखो अभी बोलो बोलो, घर में होते तो क्या बोलती है, अनुष्का निकम्मी है, नालायक है, क्या क्या नहीं बोलते। आखिर बाहर आने के बाद कभी नहीं बोली नहीं नहीं, कभी कभी बोलते तू बुड़बक है, ये है वो है। तो मैं जहाँ पे मुझे स्मार्टनेस दिखाना होगा, एक्टिवनेस बोलूँगी, हाँ एक्टिवनेस दिखाना होगा, मैं वहाँ दिखाऊंगी। फालतू चीज़ में क्यों दिखाऊँ मैं, क्या मिलेगा मुझे, काम आने चीज़ में स्मार्टनेस दिखा लेते हैं, क्या बोलते हैं, सच्ची ना बात। पता नहीं भाई बड़े पापा का इतना टाइम क्यों लग रहा, बेचारे बड़े पापा भी भूखे मारे परेशान हो रहे होंगे। सुबह सिर्फ एक मतलब पराठा और सब्जी खा के आए थे, उसके बाद कुछ खाया नहीं है। अभी हम जैसे निकले अपॉइंटमेंट से, मतलब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके और चेकअप वगैरह करवा के, टेस्ट वगैरह करवा के, उसके बाद कुछ खाया, वरना तो भाई मेरा हालत पतला हो रहा, इतना भूख लग रहा था ना। और ऊपर से मेरा ना अल्ट्रासाउंड टेस्ट करने जब मैं बैठी थी, नंबर ही नहीं आ रहा, नंबर ही नहीं आ रहा भाई। फाइनली सब खत्म हो गया, अभी जाएंगे मस्त से घर जाके मैं सोऊंगी। So guys, अब फाइनली हम जा रहे हैं अपने रूम पर, घर तो आ गए बट लॉज आ गए, बट रूम में जा रहे हैं अभी भाई। बहुत ज्यादा गर्मी है, इतना ज्यादा गर्मी है ना, क्या बोलूं भाई मैं। चाहते मैं सो जाऊं भाई, एसी खुल के आराम से, एसी वाला रूम लिया ना। टाइट हो गया भाई, लंच भी खा लिया, बहुत ज्यादा ओवरडोज हो गया लंच का दोस्तों, और साथ में रसगुल्ला भी खा लिया जो कि था गरम गरम। तो गाइस अभी जस्ट मैं सोकर उठी और मेरा तबीयत एकदम मतलब गले में खराश हो गया, प्लस बॉडी पेन भी हो रहा है, बड़े पापा को बुखार आ गया, पता नहीं क्या हो गया। तो बड़े पापा जैसे से उठ के, वो भी बारिश के मौसम, इतना जोर का बारिश आ गया था थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने चाय लाया था, बड़ी मम्मा और बड़े पापा ने चाय भी लिया है, मैंने पकौड़ा खाया, पकौड़ा भी लाए थे, पकौड़ा खा के अभी जस्ट मैं ख़त्म किया पकौड़ा खा के,
आज का दिन बहुत ज्यादा ही थकावट वाला था। अभी सब रेस्ट करे, बड़ी मम्मा भी, बड़े पापा भी, और मैं ब्लॉग एडिट करने बैठी हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले रेस्ट कर गई हूँ भाई। और देखो एक चीज दिखाऊँ, जो बारिश आया था ना जोरदार का, कहाँ तक आ गया देखो, यहाँ तक है भाई, पानी 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 भाई, कैसा कर दिया पता नहीं, सारा देखो सारा जगह पानी पानी पानी। ये देखो हमने सूटकेस यहाँ पे रखा था, भीग ना जाए बोल के उधर रख दिया, पूरा पानी आ गया वहाँ। देखो ना भाई यहाँ से तो आएगा ना छेद, देखो इतना बड़ा है। अभी बैठते हैं एडिट करने, तो यस आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहो ठीक है। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मॉम बाय बोल दो ब्लॉग में, बड़ेपा चलो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। Yeah.